नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अ डे विद सेलिब्रिटी में। सालों से पूरी दुनिया एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। बहुत सारे कॉरपोरेशंस, एनजीओस और आम लोगों को भी रिसाइकलिंग और स्टेबिलिटी के लिए काम करते हुए देखा है। आज के हमारे मेहमान एक ऐसी ही हस्ती हैं जो सालों से वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके मेटल स्क्रैप के आर्ट इंस्टॉलेशंस बना रहे हैं। वी विल बी टॉकिंग टू हिम टुडे अबाउट वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ हिज लाइफ। लेकिन पहले आइए देखते हैं उनकी एक झलक। कचरा एक सौंदर्य खजाना है जो वास्तविक दुनिया की पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर सकता है। धातु के कई हिस्सों को स्क्रैप के रूप में फेंक दिया जाता है, जिसे आसानी से वेल्ड करके कला प्रतिष्ठानों में धातु स्क्रैप की खोज करने वाले शख्स का नाम है गोपाल नाम जोशी। गोपाल नाम जोशी जयपुर राजस्थान में 1961 में पैदा हुए। कला के प्रति झुकाव उन्हें शहर के राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में ले आया, जहां उन्होंने 1981 से 85 के बीच अप्लाइड आर्ट्स में 5 साल का डिप्लोमा लिया और गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। गोपाल ने जवाहर कला केंद्र में 1993 से 95 के बीच शिल्प ग्राम प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी निभाई और उसके बाद अगले 3 वर्षों यानी 1999 तक यूनिसेफ के लिए एक डिजाइन सलाहकार के रूप में काम किया। हालिया वर्षों में ललित कला अकादमी में नव सिद्धार्थ आर्ट ग्रुप द्वारा विंटर ग्रुप शो जैसे कई क्यूरेटेड ग्रुप शो में उनके काम को प्रदर्शित किया गया है। गोपाल नाम जोशी ने म्यूरलिस्ट, आर्टिस्ट और इंस्टॉलेशन डिजाइनर के तौर पर देश की कई गैलरीज में 10 से अधिक वन मैन शो में अपने काम का प्रदर्शन किया है। गोपाल नाम जोशी गुरुग्राम में एक ओपन एयर स्टूडियो चलाते हैं, जिसमें धातु के कचरे से बने सुंदर कला प्रतिष्ठान हैं। उनके सभी कला प्रतिष्ठान पर्यावरण के बारे में एक संदेश देते हैं। स्टूडियो का आकर्षण हरियाणवी ताऊ की 16 फीट लंबी लुभावनी मूर्ति है, जो पूरी तरह से 300 किलोग्राम धातु के कचरे से बनी है। एक कलाकार के रूप में गोपाल के पास 25 वर्षों का अनुभव है। अब तक गोपाल नाम जोशी ने सभी आकारों में 140 से अधिक धातु की मूर्तियां बनाई हैं। उनके सबसे रोमांचक चित्रणों में से एक हरियाणा में दमदमा झील के पास है। उन्होंने जहां 50 वन्य जीव मूर्तियों का सेट बनाया, इसकी काफी सराहना की गई। आर्टिस्ट अपने फन के जरिए बहुत कुछ बयान करता है। कई दफा आर्टिस्ट अपने फन के द्वारा समाज को आईना दिखाने की कोशिश करता है और गोपाल नाम जोशी इसमें पूरी तरह कामयाब नजर आते हैं। अगर आप कोई बड़ा संदेश समाज को देना चाहते हैं तो एक ऐसा चरित्र खोजना होगा जिससे लोग तुरंत जुड़ सकें। ऐसी ही सोच लेकर मेटल स्क्रैप से इंस्टॉलेशंस बनाना आज के हमारे मेहमान की ये कलाकारी आर्टिस्ट्स, आर्ट कनोसर और सबसे इम्पोर्टेंट नेचर के लिए एक जीत है। तो आइए स्वागत करते हैं आर्टिस्ट, इंस्टीट्यूशनल आर्ट फैसिलिटेटर एंड अ मैवरिक स्कल्प्टर मिस्टर गोपाल नाम जोशी। We welcome you, sir, on our show. Thank you so much. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सर, मेरे दिल में बार बार एक सवाल आ रहा था। मैं इतनी खूबसूरत इंस्टॉलेशंस आपकी जो यहाँ रखी हुई देख रही हूँ, सर आप ये मेटल स्क्रैप से इतनी खूबसूरत चीजें कैसे बना लेते हैं, ये ख्याल आपको कैसे आया? शुरू में जब मैं एक बार स्कूटर वगैरह ठीक करा रहा था जी, तो कुछ कुछ वेस्ट पड़ा हुआ था। शायद ये भी कुछ स्कूटर का ही पार्ट लग रहा है। स्पार्क लग गया। So that is the sparking point जी, to create something. Okay. कैसे ख्याल आया कि मैं मेटल स्क्रैप से ये चीजें बना सकता हूँ? जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, तो इनका रिस्टोरेशन होना चाहिए, ये डिस्कशन चल ही रहा था। इसी बीच में एक मेरा स्कूटर वगैरह सब रिपेयर करा रहा था, तो कुछ पार्ट्स पड़े हुए थे। तो मैंने कहा क्या करते हैं, फेंक देते हैं और कई सारे तो दब जाते हैं जमीन में। तो आई जस्ट असेंबल देम एंड सेड कि ये कैसे जुड़ सकता है। तो उसने कहा ये वेल्ड हो जाएगा। दैट पॉइंट आई डिडंट नो कि वेल्डिंग क्या होती है एंड हाउ वी कैन क्रिएट दैट।
जी। बट वो एक आइडिया दिमाग में रहा और मैंने कुछ वायर स्क्रिप्चर्स बनाए। तो क्या आपने वेल्डिंग सीखी फिर? जी, वो कुछ टाइम बाद, लेकिन हाँ, सीखनी पड़ी क्योंकि अगर मैं मेरे मन की करना चाह रहा हूँ तो वो तो करना ही पड़ेगा, कांट डायरेक्ट एवरीथिंग। जी, तो आपका बचपन से ये लगाव एनवायरनमेंट के लिए था, इसलिए आपने ये सब शुरू किया? हाँ, मेरे पास एक काफी बड़ी जगह थी और घर बहुत छोटे हिस्से में बना हुआ था, तो मेरे यहाँ पे मोर, चिड़िया, गिलहरी ये सब आते ही रहते थे और घर में डॉग्स भी थे, तो मैं काफी सारा कनेक्टेड था। बस पास में सारा नालागढ़ का पूरा एक पार्क था जहाँ पे कोई जाता ही नहीं था, तो हम वो तो उस वक्त इतना सेफ्टी का इशू नहीं था, तो हम काफी सारे डीप इस एरिया में तक घूमते रहते थे कि होता हो क्या रहा है और क्या क्या चीज पड़ी हुई है। तो आई ऑलवेज लाइक कि वो सब इंपॉर्टेंट चीजें, और जब बाद में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और वहाँ सड़कें बन गई और एक भी पेड़ नहीं बचा तुमने लगाए, तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया। मतलब कुछ तो छोड़ देना चाहिए था, कुछ शायद काम में लेते तो अच्छा था। तब से वो दिमाग में था कि कुछ ना कुछ एक मैसेज जाना चाहिए, और सिर्फ आर्टिस्ट अपने अपनी एस्थेटिक्स पे काम करता रहे उसके बजाय कुछ ना कुछ पब्लिक आर्ट पे भी काम करना चाहिए। जी। मौका कुछ साल बाद आया, बट उस पे शुरुआत करी और... बट सोच पहले आ गई थी। अब बात बचपन की कर रहे हैं, तो हम एक खास मेहमान को आपसे मिलाना चाहते हैं जो काफी दूर से आपसे मिलने आए हैं। नमस्कार गोपाल जी, नमस्कार। आप तो फार्मिंग कर रहे थे? हाँ, कुछ समय राजस्थान में। बहुत बहुत शुक्रिया। आप और सर काफी सालों से दोस्त रहे हैं? जी हाँ, कॉलेज टाइम से, मुझे लगता है 30 साल। हाँ, रफली ऑलमोस्ट इतना साल तो हो गए। और कला में तो दोस्ती लाजमी है क्योंकि एक विधा से हम लोग, और मुझे लगता है जब राजस्थान में रहे गोपाल जी जोशी साहब तो काफ़ी जुझारू प्रवृत्ति के रहे। काफ़ी सालों तक हम लोग जब राजस्थान में रहे तो मिलते रहे, और इफ्को चौक पे एक बड़ा स्कल्पचर मैंने देखा, बिल्कुल ताऊ करके जो सर की लेटेस्ट इंस्टॉलेशन है। तो ये कॉन्सिडेंस कही है कि मैं, हालांकि हम परिचित तो रहे हैं, बीच में कभी शोज में मिलते रहे, जब देखा तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत शानदार काम था, ताऊ टाइटल था, तो बहुत खुशी है आज आकर अचानक गोपाल जी से मिलने का मौका मिल रहा है। सर, आपने कभी कोलैबोरेशन में काम किया है? कोलैबोरेशन में तो नहीं किया, लेकिन हम एक दूसरे के काम पे काफ़ी सारे डिस्कशंस करते रहे हैं, क्योंकि मैं वेरीड काइंड ऑफ काम करता था और ये दिल्ली में भी जाते थे और बहुत जगह ट्रैवल भी करते थे। ही हैव सो मेनी टाइम्स न्यू इन्फॉर्मेशन कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही इज ऑल्सो ए गुड रीडर। मेरे को भी कुछ शौक था तो क्या रिलेवेंस है बुक्स का, क्योंकि तभी इंटरनेट का ज़माना नहीं था शुरू में, तो एक कला चर्चा ही सबसे महत्वपूर्ण थी, तो कोशिश ही होती थी कि उससे बात की जाए और कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फिर बात करते हैं। जी, बहुत मुझे लगता है गोपाल जी बहुत अरसे पहले जब हम एक मुलाकात हमारे इनके स्टूडियो में, जब हम वहाँ मिले तो एक बात हम करने गए थे इनसे कुछ आर्ट रिलेटेड, तो बात करने से बात बनती ऐसा उस समय हम लोग चर्चा में थे, तब से मुझे लगता है इनकी बात तो बनी गई है। तो ये दिल्ली की ही बात है? ये हम जयपुर की बात कर रहे हैं, जब अच्छा। हम जयपुर में जब मिले जी। तो उस अंतराल में काफी काम देखने को मिले गोपाल जी के मुझे। सर, योर इंस्टॉलेशंस आर दे आर जस्ट नॉट कन्फाइंड टू एनिमल फॉर्म्स एंड इकोलॉजिकल लर्निंग्स, दे आल्सो एड्रेस कल्चरल एंड जेंडर इश्यूज। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से करना शुरू किया था काम जी, और ये रियलिस्टिक पेंटर थे। कुछ समय बाद में ऐसा लगा कि जो सोशल इश्यूज है उस पर बात की जानी चाहिए, आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आसपास जो भी एटमॉस्फेयर है, जिसको ये जुजारू कह रहे थे, सो उस वक्त भी यही था कि डिप्लोमा था आई वांट कि वो सब जगह डिग्री हो गई है तो यहाँ भी हो जाए। तब सोचा कि सब जो जो रिएक्शन है उस पर बात करनी चाहिए, और मेरे पास पर्सनल अनुभव बहुत थे, मैंने देखा, मैंने फाइनेंस पढ़ाते वक्त कि बहुत सारे लोग जो अपना काम करना चाहती हैं वो नहीं कर पाती हैं, या एक लेवल तक वो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है कॉलेज में भी, लेकिन जब वो आफ्टर मैरिज कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाई है, कुछ काम नहीं कर पाई, तो मुझे लगा कि इक्वल चांसेस नहीं है और वो होने चाहिए। तो उसके लिए आपने कैसे एक मैसेज देना चाहा समाज को? जो मेरा सारा काम है वो कोएग्जिस्टेंस पे है, मैं कभी नहीं कहता कि दिस इज़ ग्रेट एंड दिस इज़ बैड, अल्टीमेटली एक बैलेंसिंग लाइन है जिस पर हमको काम करना चाहिए। उस बेसिस पे मैंने सारे के सारे जो बॉडी शेमिंग और जिन पे बात की जाती है, इन सब को लेके मैंने एक पैट्रियार्कल कोड का एक पूरा शो किया था जो कि हैबिटेट में लगा हुआ था। जी, मेरा मानना ये था कि सिर्फ पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है वो सिर्फ पुरुष नहीं चलाते, महिलाएं उसमें जो महिलाओं का योगदान उसमें शायद कुछ ज़्यादा ही है। ज़्यादा रहता है, बिल्कुल सर। तो ये बात जब मैंने रखी और लोगों ने बात करी तो उस पर तैयार नहीं थी कि ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ ओनली मेल डोमिनेटिंग है। मैंने कहा यू क्रिएट दैट पोजीशन सो दे कैन डोमिनेट यू।
दैट इज द वे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सर इसी बात पे हम आपको एक मैसेज दिखाना चाहते हैं जो आपके किसी खास की तरफ से आया है आपके लिए। I have known Gopalnam Joshi since his early years as an art student at the College of Art in Jaipur. He always showed promise, and now that he is working with waste material, junk material to create these amazing sculptures, it's taken him onto another level, and it's amazing and wonderful to see him grow in this way. Thank you. You're welcome, sir. Sir, आप अपने आर्ट में सिर्फ मेटल ही नहीं और भी चीजें यूज करते हैं जैसे कि रिसाइकल्ड पेपर, एडिबल आइटम्स, इन सब का इस्तेमाल कैसे होता है? मैं चाह रहा था कि पब्लिक आर्ट पे काम किया जाए, तो कोई बड़ी स्पेस दिल्ली में नहीं है जहाँ पे पब्लिक आर्ट लगाई जाए, किसी गैलरी के पास इतनी जगह नहीं, तो वी अप्रोच मॉल एंड दे आर एग्रीड ऑन इट। तो पहला जो बड़ा इंस्टॉलेशन लगा उस करीबन 10-11 साल पहले जी। मैंने पिक्चर से फुट का एक पेड़ मैंने सिलेक्ट सिटी वॉक में लगाया था, स्प्रिंग इन द एयर। सो मैसेज ये था कि वॉट एवर यू आर थ्रोइंग एज अ केमिकल दैट कैन बी कन्वर्ट इन अ फ्रेगरेंस एंड इवन द ब्यूटीफुल प्रोसेस, दे अप्रिशिएट इट लॉट। एंड बहुत सारे लोगों ने उसकी वजह से मुझे अप्रोच किया कि दिस इज द वन ऑफ द गुड थिंग यू कैन डू दैट। एंड उसके बाद भी इसी से रिलेटेड आपने और कई इंस्टॉलेशंस करे हैं? कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन में काम करता था, मतलब काम इन सेंस मुझे कुछ कुछ काम कराना होता था कि प्लीज ये कर दे, क्योंकि उस वक्त प्रोटोटाइप सेटिंग के बाद में कंप्यूटर्स आए थे जब एडवर्टाइजिंग शुरू हुई थी। अब मेरे खास दोस्त हैं पीयूष जी, उनके यहाँ पे एक दिन उसने कहा यार बहुत सारा वेस्ट पड़ा हुआ है मेरे पास में, इतनी बड़ी बड़ी फ्लॉपीज हैं, अगर किसी को याद होता है मोटी और बड़ी सारी फ्लॉपीज आती थी, माउस था, मैंने कहा ला मैं असेंबल कर देता हूँ उसको। तो उसने कहा आप क्या करोगे, मैंने कहा निकाल के साफ करके रख देना। सो आई क्रिएटेड इन द वॉल एंड मैंने एक रोबोटिक आदमी बना दिया था उससे, जिसमें जो माउस है उसमें वास्तव में पैर के काट के कान वान लगा के मूछ वूछ लगा के उसको माउस बना दिया था कि नाउ एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय माउस व्हाट टू डिलीट एंड व्हाट टू रिमेन। जी जी, सो दैट इज वाज द फर्स्ट वन, आई थिंक 20 साल पहले हो गया था वो काम। ओके, उसके बाद एक लंबा गैप रहा, फिर ये सेकेंड रहा, फिर मुझे लगा कि इसकी परमानेंसी कुछ चाहिए थे ना, आई वर्क विद आयरन मेटल क्योंकि सबसे ज्यादा वेस्ट निकलता भी वही ज्यादा है। गैलरी का रोल जो होता है वो पेंटिंग और स्कल्पचर और छोटे स्कल्पचर छोटे स्केल में होता है, मुझे लगता है इनका कैनवास बड़ा था। मुझे इस बात कहते भी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक उसके सर्टन विजिटर्स होते हैं, सर्टन लोग होते हैं जहाँ विजिट कर पाते हैं गैलरी स्पेस में, कैनवास को गैलरी से बाहर लाए, पब्लिक से जोड़ा, ऐसी जगह पे जहाँ लोग ज्यादा जुड़ पाए और स्पेशली जो कंटेम्प्रेरी आर्ट को जिस मोड में इन्होंने डिस्प्ले किया वो देख पाए और उसको एनवायरनमेंट से जोड़ पाए, इंस्पायर तो ऑफ कोर्स हुए होंगे। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कला के लिए बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा था टाइम की कुछ कमी के कारण आपको हमसे भी विदा लेना होगा। देखिए मैं किसान तो हूँ पर जिम्मेदार कलाकार किसान हूँ, गोपाल जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मुझे खुशी है कि मैं इनसे मिल पाया और बहुत अच्छा लगा, इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जी आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया सर, आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू गोपाल जी, ऑल द वेरी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपके आर्ट एस्टैब्लिशमेंट्स एनवायरनमेंट के बारे में संदेश देते हैं, आज आप हमारे व्यूअर्स को एनवायरनमेंट को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भारतीय संस्कृति में किसी भी वस्तु का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं, यहाँ तक कि मान लो दूध बच जाए उसका पतीला गीला है तो उसको आटे में भी काम में ले लिया जाए। ये जब भी हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, ये टिश्यू पेपर और सो मैनी यूज एंड थ्रो का जो कॉन्सेप्ट आया, इसने कचरे की संख्या बढ़ा दी और पूरी प्रजातियों में एक मनुष्य ही है जो कचरा पैदा करता है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो सोचा इनको वापस याद दिलाया जाए कि उस जो जिस तरह से आप कर रहे हो वेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, उसमें पेड़ भी कट ही रहे हैं, उस सबका कारण कहीं ना कहीं और भी जा रहा है। तो वो एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से मैंने इस पर काम करना शुरू किया और एब्स्ट्रैक्ट से रियलिस्टिक पे मैंने काम किया और सोचा कि अगर बचाना है और बाकी चीज़ों को तो इस पर काम करना होगा। तो हमारे व्यूअर्स को वापस से अपनी रूट से जुड़ना चाहिए जैसे कि नानियां और दादियां करती थी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप उपयोग नहीं करें, पर अधिकतम उपयोग जो करें सामान का तो ज़्यादा अच्छा होगा, रिसोर्सेज मैक्सिमम यूज होंगे तो उनका दोहन कम से कम होगा। सर आपने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स से पूरी की थी, उसके बाद आर्ट्स की पढ़ाई की, तो क्या रीजन रहा या फिर कोई इंस्पिरेशन रही दैट यू चेंज्ड योर फील्ड? एक्चुअली माय फादर्स डिड नॉट वांट दैट आई शुड बी एन आर्टिस्ट,
ओके मैंने शायद बहुत पहले बोल दिया था कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैंने एग्जाम भी दे दिया था जेजे का जो मैं क्लियर कर चुका था. उनका कहना ये था कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है एंड ही इज अ ब्यूरोक्रेट तो ही कैन थिंक लाइक दैट ओनली. मुझे घर में फ्रीडम बहुत थी, मैं कोई भी बात कर सकता था, लेकिन मुझे उनको कन्विंस करना होता था कि दिस इज़ द राइट थिंग. तो मैं उनको शायद जिस डोमिनेटिंग स्टाइल में वो बात करते थे उनके पास लॉजिक बहुत था, मैं नहीं कर पाया. तो मैंने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो मैं ग्रेजुएशन कर लूंगा लेकिन मैं काम नहीं करूंगा इस पर. बट आपके पास एक क्लैरिटी ऑफ थॉट था. हाँ, तो उसने कहा ठीक है ओके वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इज योर लाइफ इट्स नॉट माइन. साथ साथ ही ऑलमोस्ट एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया था और काम पेंटिंग में पहले भी बनाता था लेकिन मैंने थोड़ी बहुत फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी जो कि जयपुर में था. जी इट्स नॉट लाइक इन जे जे एस्टैब्लिश्ड बट हाँ वहाँ पे भी कुछ अच्छे लेक्चरर्स थे, एक एटमॉस्फेयर था. सो आई स्टार्टेड. तो उसके बाद आपकी फैमिली का आपके साथ सपोर्ट रहा थ्रू आउट द जर्नी? मेरी माँ का तो सपोर्ट शुरू से ही था कि उसने कहा मनी इज नॉट एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू. पावर तुमको चाहिए नहीं क्योंकि मैं पावर को नजदीक से देख चुका था तो मुझे चाहिए नहीं थी. जी मेरे फादर को इससे कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं क्रिएटिव को परसू कर रहा हूँ. उनका पॉइंट ये था कि अल्टीमेटली ब्रेड एंड बटर इज सो इम्पॉर्टेंट. तो वो प्रेशर का मिला जुला जो असर रहा मैं सीधे पेंटिंग में जाने की बजाय अप्लाइड आर्ट में चला गया. जी जी तो वो ज़रूर एक फ़र्क रहा. एज अ डिज़ाइनर आई ट्रेंड आई वर्क फॉर अ वाइल. साथ साथ मुझे क्योंकि मैं टॉपर था तो मुझे कॉलेज ने इन्वाइट कर दिया एज ए लेक्चरशिप के लिए. तो मैंने पढ़ाया भी 2 साल और लगा कि और सुविधाएं वहाँ पर होनी चाहिए लेकिन 2 साल बाद मुझे लगा कि मैं अपने आप को वापस लिमिट किए जा रहा हूँ, वही बात दोहराए जा रहा हूँ. तो मैंने छोड़ दिया उसको. आई जॉइन समवेयर एल्स एंड देन कम बैक. अब बात फैमिली की हो रही थी तो एक आपके बहुत ही करीबी मेहमान आज आपसे मिलने आए हैं. Another surprise for you. You're busy with Diwali thi. Yeah, please, ma'am. Welcome, ma'am, on our show. Thank you so much. Ma'am, आप भी एक artist हैं? Practicing artist तो नहीं हूँ मैं. मैं shows curate करती हूँ और generally arts के management की तरफ ध्यान देती हूँ. तो ये एक same field में होना एक coincidence था? आप लोग का मिलना क्या रहा? कोइंसिडेंस तो रहता है बट आई थिंक डिस्टाइंड होता है. सो हम हाँ आई वॉज ऑल्सो डूइंग अप्लाइड आर्ट्स एंड ही वॉज क्वाइट अ सीनियर इन टू द सेम फील्ड. ओके सो ही हैड अ स्टूडियो देयर वेयर वी वॉन्टेड टू डू मोर. सो वी हैड अ टीम वेयर वी वर लाइक यू नो प्रैक्टिसिंग अपार्ट फ्रॉम कॉलेज. तो हम लोग जाते थे, काफ़ी सारा काम करते थे, काफ़ी सारे डिस्कशंस करते थे, ऐसे रहता था. तो उस टाइम तो डिज़ाइन ही था मेरा फील्ड बट धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली यू नो आई टर्न टूवर्ड्स मैनेजमेंट मोर देन प्रैक्टिसिंग इट. जी दैट्स हाउ आई चेंज्ड माय फील्ड. जी क्या आपकी भी सेम आइडियोलॉजी है जो कि सर की है टूवर्ड्स एनवायरनमेंट? हाँ बिल्कुल, उस मामले में तो काफ़ी लाइक माइंडेडनेस है इसीलिए हम लोग साथ हैं. जी प्रोफेशनली भी पर्सनली भी. जी तो अब आप सर को प्रोफेशनली भी हेल्प करते हैं? हाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होती है कोलैबोरेशन की या मदद की आई एम क्वाइट अ यू नो वी वर्क एज अ कोलैबोरेशन प्रोफेशनल पार्टनर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यस आई डू माय इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट शोज एंड ओके शी इज द वन हु गाइड मी सो मेनी थिंग्स अबाउट द फेमिनिज्म. इफ यू नो द थिंग्स आल्सो बट समटाइम्स इन ऑर्डर पे उसको रखना और बात करना पर्सपेक्टिव. जी सो दैट इज द बेस्ट पार्ट टू डिस्कस दिस रिक्रिएट इट बिफोर क्रिएशन यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन what to do and what not to do. अब आप काफी समय से दिल्ली NCR में काम कर रहे हैं, इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? Since we started with designing and we had an advertising agency in Jaipur, एक समय पे आके ऐसे लगने लगा जब हम लोग सुबह सुबह ऐसे ही चाय पी रहे थे तो लगा कि आई थिंक वो 10x2 के एड्स और फुल पेज एड्स से आगे हमारी जिंदगी बढ़ नहीं रही है और हम क्रिएटिव तो रह नहीं गए हैं तो ऐसे तो कैसे चलेगा. सो देन आई टोल्ड हिम कि आई डोंट थिंक सो दिस विल वर्क और वील बी वॉट वी आर नाउ यू नो नथिंग मोर क्रिएटिव. सो ही सेड व्हाई डू यू थिंक सो. बोले इसके अलावा हम सोच क्या रहे हैं आजकल, सुबह से जब हम देखना शुरू करते हैं अखबार पढ़ते हैं, अच्छा ये एड में ऐसे गड़बड़ आ गई या ये सही है या ऐसा कुछ शुरू हो गया. सो हम सारी क्रिएटिविटी तो भूल भाल के ये सब काम कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा ठीक है छोड़ देते हैं दिल्ली चलते हैं. और बस वो एक सोच थी और इमीडिएट डिसीजन था, हम दिल्ली आ गए. दिल्ली में वापस स्क्रैच से शुरू करना था और ये पता था कि पहले से 6-8 महीने कुछ होने वाला नहीं है. देयर इज सम होता तो मैं शायद वो कर नहीं पाता, मैं नहीं लेनी वो कर पाता. यू हैव एन ओपन एयर स्टूडियो इन गुरुग्राम सर, प्लीज व्यूअर्स को उसके बारे में कुछ बताएं. एक्चुअली मेरे को शुरू से ही स्टूडियो की जगह मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पे लोग काम करते हैं. जयपुर में ट्रेंड था कि लोग अपने अपने घरों में ही कुछ काम कर लेते थे. मैंने सोचा शायद
चेंज करना चाहिए। शुरू में मैंने भी घर में ही बनाया, लेकिन पीछे अलग से स्पेस थी जी। मैंने प्रॉपर उसका हार्टवर्ड बनाया और बाहर पूरा पापूजी का फटवर्ड पेंट किया, जो आजकल बहुत फैशन में म्यूरल के नाम से। और उसमें मैंने सब आर्टिस्ट को भी इनवाइट करना शुरू किया कि दे कैन ऑल्सो कम एंड इफ दे वांटेड टू वर्क दे कैन। जब मैंने स्क्रैप का काम करना शुरू किया तो लगा कि दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर मी, यहाँ पे तो मैं काम नहीं कर सकता। तो आई एम लुकिंग एट द वर्कशॉप, तो पास में एक परिचित निकल आया, उसने कहा मेरी एक जगह है गाँव में, वहाँ ले लो, सिटी है उसके, मतलब आप स्टूडियो में भी खड़े हुए तो सब जगह बिल्डिंग बिल्डिंग नजर आएंगी, लेकिन वो इस एरिया खाली है। सो आई स्टार्टेड लाइक दैट, कि मुझे कुछ खोद में गाड़ना हो, उसको फिक्सअप करना हो, बैलेंस करना हो, कुछ सामान डालना हो, तो किया जा सके। Do you also teach other people about your art? How do you do it? Especially जब मैं बीच में पढ़ाया, जब भी पढ़ाया और उसको छोड़ा भी, तो मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपने छोड़ दिया जॉब। मैंने कहा बेस्ट प्रोसेस ये है कि जब आपको लगता है कि आप स्टैग्नेंट हो रहे हो, कुछ बात करनी है, कुछ पढ़ना है, एनी टाइम डे यू कैन कम। तो बहुत रेगुलर साल भर पढ़ाने के बजाय आई टेक क्लासेस फॉर 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, लाइक अ वर्कशॉप। या एक लेवल से उनको बी लेवल तक ले आए। नाउ दूसरा, मैंने वर्कशॉप्स बहुत करी बच्चों के साथ में भी। तो जब मैं लेक्चरर हो गया था स्कूल ऑफ आर्ट्स में, तब मैंने SOS के बच्चों के साथ भी वर्कशॉप करी। एक और खास मैसेज आपके लिए, प्लीज। माय एसोसिएशन विद गोपाल जी हैज बीन फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ एंड आई हैव बीन privileged and honored to have the opportunity to work with him. He, you know, puts together these elements that you think are discarded or are scrap and makes very, very interesting installations and figurines out of that. We hope that we will continue to do some work further. Thank you very much. He's your friend, sir? Friend, he's a colleague. He designed that space where the sculpture was supposed to be. So, after the place was decided, he said that आई एम लुकिंग एट, जो काफ़ी कुछ एनवायरनमेंट पे काम कर चुका हूँ, तो हम एक छोटा सा साथ में काम कर चुके थे, जब जो कंजेस्टेड एरिया है गुड़गांव का, उसमें कैसे सिंपल कम्युनिकेशन किया जा सकता है, या जो लड़कियों के स्कूल है उसको उनका ट्रैक ऐसा बनाया जाए जो डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो वो एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट हमने साथ काम किया था। उसके बाद जब रीडिजाइन करने की बात आई, तो उनका एक पार्ट स्कल्पचर है और एक पार्ट उसका प्रेजेंटेशन है। आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन रीडिजाइन द स्पेस। तो उनका ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ मटेरियल काम में आए, और मैं चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्चरल जो लोकल छाप है वो भी बनी रहे। तो उस ब्रीफ पे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। इवन वो जो बना जो चबूतरा जो पेडस्टैंड है जिस पर स्कल्पचर है, वो सारा वेस्ट डम से बना हुआ है, जो सीमेंट का ब्रेक है, और उसके ऊपर बाहर जो टेक्सचर लाया हुआ है, जो गाँव में से जो गोबर के रखने के लिए जो बनाती हैं स्टोरेज महिलाएँ, उसमें काफ़ी सारा टेक्सचर बना हुआ होता है, पैटर्न बने हुए होते हैं। तो उन्हीं महिलाओं को लाके वो बनाया था, वो हाथ से आई थिंक yes. बनाते हैं जी 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 जी। तो वो रिलीफ में है, तो पूरा एक लोकल उसमें छाप है। सर आपने एज अ म्यूरलिस्ट इंस्टीट्यूशनल, इनफैक्ट यूनिसेफ के लिए डिजाइन कंसल्टेंट, ये सब काम किए जी, लेकिन आपका सबसे चैलेंजिंग और पसंदीदा काम कौन सा रहा? जब इसी पे काम करना शुरू किया, तो मेरी मुलाकात हुई थी एक आर्किटेक्ट हैं राजीव अग्रवाल, तो किसी रेफरेंस से वो मेरे से मिलने आए हैं। तो मैंने कोई बड़ा स्कल्पचर नहीं बनाया था, क्योंकि तब कोई ज़्यादा काम कर भी नहीं रहा था इंडिया। ये बात हम कब की कर रहे हैं सर? 2011 जनवरी। तो ही सेज आई वांट समथिंग ग्रीन, आई हर्ड दैट यू आर डूइंग। मैंने कहा आई हैव वेरी स्मॉल पीसेस, आई डोंट हैव सच काइंड ऑफ थिंग। बोले कल ऑफिस आओ बात करते हैं। So first of all, he is a known man, even though he drive to my house and talk to me. Then we decided ki we work on only on environment. Matlab wahi sab cheeze lenge jo yahan par hain. Hum aisa koi janwar nahi lenge jo ki is area mein hai hi nahi. Kyunki wo jo damdama jheel hai uske paas hotel bana tha. Ji. Fir wahan par wo metal cows and bakri aur wo sab bana, jisse pura wahi zameen se juda wala jo mamla hai wo bana rahe. सर आज की कल्चरल और आर्ट सोसाइटी पे डिजिटल मीडिया का क्या असर है? पहला फ़र्क तो ये आया इससे कि आप किसी भी आर्टिस्ट का काम देख पाते हो, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाते हो, और जब भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है और विजुअल एक्सचेंज होता है, डेफिनेटली यू ग्रो। तो वो भी स्किल में बहुत सारा फ़र्क इसी वजह से आया है, और आर्टिस्ट पहले की तुलना में ज़्यादा फ्री होकर काम कर पा रहा है। तो वेस्टर्नाइजेशन में भी आई थिंक आजकल बहुत अवेयरनेस है टुवर्ड्स एनवायरमेंट, और वही एक जो अवेयरनेस है वो हमारे आज के यहाँ के यूथ को भी सेम, एक मैं कहूँगी कि वहीं से इन्फ्लुएंस होके ये सोच आ रही है।
लाइक लाइफ इज कमिंग टू फुल सर्कल, सो मे बी यू नो अगेन हम उनसे इंस्पायर हो रहे हैं. सो ये बेस्ट पार्ट है ग्लोबल का या डिजिटलाइजेशन जो आप बात कर रहे थे, कि उससे हमारे जो भी इंस्पायरिंग पॉइंट्स हैं वो ले रहे हैं और उससे कुछ कुछ कर रहे हैं, या जैसे गांधीवादिता आई या हम जी एग्जैक्टली उनके जो थॉट्स थे वो वहाँ पर उस पर काम करने लगे, योग को लेकर उन्होंने काफ़ी काम किया, और हम धीरे धीरे जब भूलते जा रहे थे हम उनसे इंस्पायर हो रहे थे क्योंकि हम प्रोग्रेसिव होना चाह रहे थे, तो प्रोग्रेसिव बट अब लगने लगा कि नहीं, जो हमारे बड़े बूढ़े कह के गए थे या कर रहे थे उसमें भी बहुत दम है, हम वो भी अपना सकते हैं क्योंकि वो भी बोल रहे हैं, वो भी अपना रहे हैं और हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, एंड देन वी केम बैक टू द यू नो वी आर आल्सो फॉलोइंग दैट अगेन. अंत में अगर बात करें सर, इंडिया में आर्ट को लेकर क्या फ्यूचर दिख रहा है? थोड़ा सा फ़र्क ये आया है कि हम ब्रेड बटर से थोड़ा बाहर आए हैं, तो सबका घर है और हर आदमी चाहता है कि घर है तो उसको अनुभव किया जाए, और इस लॉकडाउन में तो समझ में आ ही गया है कि घर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है. तो नाउ अब वो लोग सिर्फ ब्रांड के लिए आर्ट नहीं खरीदना चाहते, उसको एंजॉय करने के लिए खरीदना चाहते हैं, दे वॉन्टेड टू ग्रो विद दैट आर्ट वर्क. और आई थिंक यही एक तरीका है, वही एक बैलेंसिंग पावर है, आर्टिस्ट के लिए भी लोग होने चाहिए जो उसको समझ पाए, और लोगों के लिए भी एक आर्टिस्ट होना चाहिए जो एक स्टेप आगे सोचता हो. आज का ये पूरा सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा, आई एम श्योर व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली एनवायरमेंट को लेके, आर्ट को लेके. वी आर सो थैंकफुल टू यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड डेफिनेटली बहुत ही डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा, और इस सब्जेक्ट पे और बात जितनी होती जाए उतना अच्छा ही है. बिल्कुल सर, आई थिंक ये टॉपिक कभी एंड ही नहीं हो सकता है, देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी कुड टॉक अबाउट. मिस्टर गोपाल नामजोशी वेस्ट सब्सटेंस को अपसाइकिल करके लेटेस्ट आर्ट एस्टेब्लिशमेंट्स बना रहे हैं. उनकी ये कला जहां एक तरफ सोसाइटी को एक संदेश दे रही है, वहीं लोगों को ये बता रही है कि वे क्या विनाश कर रहे हैं. अपने जीवन के अनुभव को हमसे बांटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी अ डे विद सेलिब्रिटी में किसी और खास मेहमान के साथ. फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार.